फ्रेंड्स गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको मालूम होगा हार सिंगार का ये खूबसूरत पौधा जो है ये पूरा का पूरा एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके ब्रांचेस, इसके ग्रीन लीव्स और इसके ये खूबसूरत फ्लावर्स, ये सब एक मेडिसिन है। फ्रेंड्स गूगल पे जाके अगर आप सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि इसके ग्रीन लीव्स शियाटिका जैसे भयानक दर्द जो उठते हैं, जो नसों का दर्द होता है, इसके 3 या 4 लीव्स का काढ़ा पीने से, उबालकर इसकी टी बनाकर पीने से शियाटिका के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। फ्रेंड्स यूं तो हार सिंगार के हर पार्ट में इतने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए तो आपको मालूम होगा इसके इन ग्रीन लीव्स को, 3-4 लीव्स को पकाकर इसकी टी पीने से अर्थराइटिक की बीमारी में उसका ऑयल बनाकर उसका मसाज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है और आराम मिलता है, राहत मिलती है इन दर्दों में। गूगल पे सर्च करने से ये भी मालूम होता है कि फ्रेंड्स इसके ये पत्ते, फूल और इसकी ब्रांचेस की टी बनाकर पीने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। फ्रेंड्स ये एक हर्बल प्लांट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो ऐसा खूबसूरत पौधा और जिसमें इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमें अपने गार्डन में ज़रूर रखना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों अब तो हार सिंगार का ये पौधा कहानियों में ही सुनने को मिलता है। शाम होते ही ये खूबसूरत फ्लावर खिल उठते हैं इसकी इन येलो डंडियों से। दोस्तों एज अ फूड इसकी ये येलो डंडियाँ यूज़ की जाती हैं, उसके अलावा इन फ्लावर से टी बनाकर भी पी जाती है। तो फ्रेंड्स इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये एक फ्रेग्रेंस प्लांट है। शाम होते ही दोस्तों इसके 2 फूल भी खिले हों तो इसकी फ्रेग्रेंस से पूरा एनवायरनमेंट मुअत्तर हो जाता है, बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। फ्रेंड्स इसके खूबसूरत फ्लावर्स देखिए, सुबह के वक्त सारे ये फ्लावर्स झड़ के उल्टे होकर गिरे हुए होते हैं ज़मीन पर और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। बहुत कामयाब है दोस्तों ये पौधा, अगर आपको कहीं भी नज़र आए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्लांट को ज़रूर आप अपने घर में रखिए और इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कीजिए। यहाँ तक दोस्तों सर्च करने पर मालूम हुआ कि कोई जहरीला कीड़ा भी काट ले तो इसके पत्तों को कुचलकर उसका रस लगाने से भी आप फौरी तौर से कुछ देर के लिए उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जब तक कि आप डॉक्टर के पास ना पहुँच जाएं। तो ये यहाँ तक कहा गया है दोस्तों, सर्च करने पर मालूम होता है कि सांप के काटे पर भी इसका रस लगा लिया जाए अगर तो थोड़ी देर के लिए आप कुछ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इतना दोस्तों कीमती और प्यारा पौधा ज़रूर रखिए। दोस्तों नानी दादियां तो इसकी इन डंडियों को तोड़कर और इनको सुखा के रख लेती थीं और फिर पकाकर मीठे बनाने में ये रंग इस्तेमाल किया जाता था, दुपट्टे रंगने में इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा पौधा है हार सिंगार, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। आपको कहीं से भी मिले तो इसको आप हासिल कीजिए और अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। दोस्तों हार सिंगार का ये पूरा पौधा ही एक मेडिसिनल प्लांट है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस देने वाला भी प्लांट है। स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। दोस्तों अगर हार सिंगार पर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी ले आइए ये प्यारा सा प्लांट और ऐड कर लीजिए अपने हाउस प्लांट में।